किसी ने कहा 22 लाख रुपए का इनाम दे देंगे गर्दन काटने का। अबे सब्जी बना रखा है क्या? आज उत्तर प्रदेश में एक ओएसी नहीं है, आज उत्तर प्रदेश में करोड़ों ओएसी है। कितने ओएसी की गर्दन काटेगा छी महाराज? कितने ओएसी की? 376 का मुकदमा तुम्हारे ऊपर है। बड़ी बड़ी बातें हो रही है, कोई कहता है मुंडी काट लेंगे, किसी ने कहा कि हमारे लीडर को बकरा कहा किसी ने। हम उनसे पूछना चाहते हैं, तुम क्या हो भाई? हम तो नहीं कहेंगे तुम कुत्ता हो, हम नहीं कहेंगे, हम नहीं कहेंगे, लेकिन आप मुझे बताइए, आरएसएस बड़ा हुआ, मोटा हुआ, दूध पिया, किसके दौरे हुकूमत में क्यों नहीं पाबंदी लगाई गई आरएसएस पर? आरएसएस की माँ कौन है? कांग्रेस है। अब आरएसएस का बेटा बड़ा हो गया तो आरएसएस ने अपनी बुढ़ी माँ को छोड़ दिया, अपने बेटे को प्रमोट करना शुरू कर दिया। यही ना, ये सच्चाई है। इस देश के अंदर कोई भी पार्टी सेकुलर नहीं है। इस देश के अंदर अगर कोई सेकुलर है तो इस देश का मुसलमान सेकुलर है, और बाकी मैं किसी को सेकुलर नहीं मानता। इस देश के अंदर अगर कोई लीडर है जो संविधान की बात करता है तो वो एक लीडर है, जिस लीडर का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। अगर इस देश के अंदर बाबा साहेब माननीय काशीराम जी के बाद अगर कोई लीडर पैदा हुआ है जो फासिस्ट ताकतों की आंखों में खटकता है तो उस लीडर का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। आपकी दाढ़ी से परेशानी, आपकी टोपी से परेशानी, आपके मदारिस से परेशानी, आपकी मसाजिद से परेशानी, अब क्या बचा? इन चीजों की दिफा आप कैसे कर सकते हैं? कोई अगर दूसरा रास्ता है तो आप मुझे बताइए। कोई दूसरा रास्ता नहीं है, सिर्फ एक रास्ता है, वो सियासत का रास्ता है। जब तक आप सियासत में हिस्सेदारी नहीं लोगे, जब तक आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, जिस समाज का अपना सियासी परचम नहीं, जिस समाज का अपना सियासी लीडर नहीं, वो समाज इस देश के अंदर यतीमी की जिंदगी गुजारता है। जब कोई चाहता है हमारे घरों में घुस जाता है, झूठे मुकदमे लगा करके हमें जेल की सलाखों में डाल दिया जाता है। बताइए मुझे, 2002 गुजरात के दंगे की बात होती है, यकीनन 2002 में 5000 मुसलमानों का कत्लेआम हुआ। अनऑफिशियल डाटा है गुजरात के अंदर। अहमदाबाद की सड़कें मुसलमानों के खून से लाल हुई। बीजेपी की गवर्नमेंट में नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के। लेकिन एक और दंगे की बात नहीं होती, 1969 में, 1969 में गुजरात के अंदर कांग्रेस की हुकूमत में दंगे हुए, 5000 मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, 48,000 लोग बेरोजगार हो गए। उस दंगे की बात भी तो होनी चाहिए। 48,000 लोग बेरोजगार हो गए, उनके मकानों को जला दिया गया, कमीशन का गठन हुआ, कमीशन ने रिपोर्ट की, पेश की और कहा आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और हिंदू महासभा ने ये दंगे करवाए हैं और लोगों का कत्लेआम हुआ। हुकूमत किसकी थी? गुजरात के अंदर भी, सूबे के अंदर कांग्रेस की और सेंट्रल में भी कांग्रेस की हुकूमत। अच्छा, 2002, 1969 और 2013 में क्या हुआ था? 2013 में मुजफ्फरनगर में क्या हुआ था? आजादी के बाद से कभी ऐसा नहीं हुआ था, 50,000 मुसलमान अपने घर से बाहर कैंपों में अपनी जिंदगी गुजारा दिसंबर और जनवरी के महीने में।
कोई पूछने नहीं गया। और उस वक्त सैफई के अंदर सैफई महोत्सव चल रहा था, 250 लोगों का कत्लेआम मुजफ्फरनगर के अंदर हो गया, सैफई में नंगा डांस हो रहा था। मुंबई से फिल्म स्टार को बुला करके आधे कपड़े में बैठ करके अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, समाजवादी पार्टी के मुसलमान लीडर चपरासी वहां बैठ करके नंगा डांस देख रहे थे। लेकिन उस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश में नहीं आई थी, बावजूद उसके यही मेरे कायद हैं जो जा करके कैंपों में पैसे भी दे करके आए, एक बार नहीं दो बार गए थे। ये कौन सा दर्द, कौन सी तकलीफ थी जो मेरे कायद को 1400 किलोमीटर दूर से लेकर के मुजफ्फरनगर गई। लेकिन हमारे यहाँ के 45 मुस्लिम एमएलए समाजवादी के, 18 मुस्लिम एमएलए बहुजन समाज के, कोई मुजफ्फरनगर नहीं गया। यहाँ मुजफ्फरनगर के लोग बैठे हैं, इनसे पूछ लीजिए अगर मैं गलत बोल रहा हूँ। हमसे हमारे आजमगढ़ जिले के एक एमएलए हैं आलमबदी साहब, उन्होंने मुझसे कहा बैरिस्टर सऊदीन वैसी साहब का हम एक जलसा करवाना चाहते थे शुरुआती दौर में 2014 में। जलसे की परमिशन नहीं मिली, हम उनके पास गए, हमने कहा कि आप बात कर लीजिए। आलमबदी साहब कभी मुस्लिम मजलिस में हुआ करते थे, हमने कहा हो सकता है मिल्लत का दर्द हो, मले मैं नहीं बात करूंगा, मैं मुलायम सिंह से बहुत नाराज हूँ। मैंने कहा क्यों नाराज है, उन्होंने कहा इतना बड़ा सानहा मुजफ्फरनगर के अंदर हुआ, मुलायम सिंह यादव ने तमाम मुसलमान मिनिस्टर एमएलए एमपी को बुला करके कहा कोई मुजफ्फरनगर नहीं जाएगा। शौकत साहब ये बताइए कि अगर मेरे मुसलमानों का खून बह रहा है, मजलूम मेरी बहनें आवाज दे रही है, लेकिन मेरी पार्टी मुझे मना कर रही है मुजफ्फरनगर मत जाओ, आप बताइए मुझे तकलीफ नहीं होगी। तो आप अंदाजा कर लीजिए ये समाजवादी से जीत करके जाने वाले चपरासी ये गूंगे हैं, बहरे हैं, इनकी जो जबाने हैं उसमें ताले लगे हुए हैं समाजवादी बीएसपी के।